तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन अंतिम पाठ। स्टार्ट में ही है लेकिन लेसन का नाम है अंतिम पाठ, ठीक है। इसका भाग वन है द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर हैं वो है अल्फोंस दौडेट। कौन है? अल्फोंस दौडेट, ठीक है, ये ध्यान रहे। और आप इस चैप्टर का नेम द लास्ट लेसन और इसके जो राइटर उनका नेम अल्फोंस दौडेट का याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें लेखक जो हैं 1870 के बारे में जो घटना घटी है उसके बारे में बताए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। 1870 में जब बिस्मार्क सेना पर्सिया पर आक्रमण कर फ्रांसीसियों पर कब्जा कर लिया था और फ्रांसीसी भाषा को एलसेस लोरेन के स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया था, यही घटना इस पे, इसलिए द लास्ट लेसन है। अब आप पढ़ेंगे पूरा चैप्टर तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आप अपनी किताब को खोल लीजिए और ध्यान से देखिए और हमारी बातों को सुनिए, शायद आपको अच्छे समझ में आए। आई स्टार्टेड, मैं चला फॉर स्कूल यानी विद्यालय के लिए वेरी लेट, बहुत लेट दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह। बता रहे हैं कि मैं उस सुबह विद्यालय के लिए या स्कूल के लिए बहुत लेट चला यानी देरी से चला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और बहुत बड़ा डर था ऑफ ए स्कॉल्डिंग यानी डांटने का। कह रहे हैं मैं उस मॉर्निंग यानी उस सुबह घर से बहुत लेट चला स्कूल के लिए और मुझे बहुत बड़ा डर था किसका, डांट पड़ने का, ठीक है। स्पेशली विशेषतः बिकाज, क्योंकि एम हेमेल एक टीचर हैं, ठीक है। कह रहे हैं विशेषतः क्योंकि एम हेमेल हैड सेड, कहे थे दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे अस्मिस हमसे ऑन पार्टिसिपेंट्स, किस पे प्रश्न पूछेंगे, पार्टिसिपेंट्स पे। एंड आई डिड नॉट नो, और कह रहे हैं एंड मिस और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता द फर्स्ट वर्ड, पहला ही शब्द अबाउट देम, उसके बारे में, किसके बारे में, पार्टिसिपेंट्स के, ठीक है, उसी का डर था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण आई थॉट, मैं सोचा ऑफ रनिंग अवे, भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एंड मिस और स्पेंडिंग मिस व्यतीत करूँ या बिता दूँ, द डे मीन्स दिन, आउट ऑफ डोर्स यानी दरवाजे से बाहर यानी घर से बाहर। इट वॉज सो वार्म यानी इट वॉज सो वार्म यानी बहुत गर्म, सो ब्राइट यानी जो दिन था बहुत गर्म और बहुत चमकीला था। द बर्ड्स, चिड़िया, वेयर चिरपिंग यानी चहचहा रही थी, एट द एज यानी किनारे ऑफ द वुड्स यानी लकड़ी के, वुड्स मीन्स लकड़ी नहीं, वुड्स मीन्स होता है जंगल, ठीक है, वुड मीन्स लकड़ी। तो कह रहे हैं कि दिन बहुत चमकीला और गर्म था, चिड़िया जो थी जंगल के एक छोर पर चहचहा रही थी, एंड मिस और इन द ओपन फील्ड, और खुले क्षेत्र यानी खेतों में, और इन द ओपन फील्ड खुले खेत में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल होता है आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले हुए खेतों में, द पर्सियन यानी पर्सिया के सोल्जर्स यानी सैनिक वेयर ड्रिलिंग मिस अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। कह रहा है इट वॉज ऑल मच, यह सभी मोर मिस बहुत अधिक, टेम्पटिंग इस मनमोहक था, देन द रूल्स यानी नियम की अपेक्षा, फॉर पार्टिसिपेंट्स यानी पार्टिसिपेंट्स के नियम की अपेक्षा यह सब चीज़ें बहुत मनमोहक थी यानी बहुत अच्छी लग रही थी। कौन सी चीज़ें? वही जो सैनिक लोग अभ्यास कर रहे थे। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में शक्ति थी टू रेसिस्ट विरोध करने की, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्द ही स्कूल के लिए वहाँ से चल दिया। वेन जब आई पास्ड, मैं गुजर रहा था टू द टाउन हॉल यानी टाउन हॉल से जो सभागार था, देयर वाज ए क्राउड, तो वहाँ एक भीड़ लगी हुई थी, इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, सूचना पट्ट के सामने एक बहुत बड़ी क्या लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट टू ईयर्स, बता रहा हूँ बच्चा, फॉर द लास्ट टू ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार हैड कम आते हैं फ्रॉम देयर यानी वहाँ से, कहाँ से, सूचना पट्ट से। द लास्ट बैटल्स यानी पिछला हारा हुआ युद्ध, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट यानी मसौदा या प्रारूप, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर यानी कमांडिंग ऑफिसर के आदेश भी कहाँ से आते हैं, सब वहीं से आते हैं। एंड आई थाट, और मैं सोचा टू माई सेल्फ यानी खुद, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही मैं सोच रहा था, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन तब एज आई हरिड, जल्दी से, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी मैं जा सका, द कह रहे हैं तब मैं जल्दी जल्दी यानी जितना जल्दी से मैं जा सका उतना जल्दी से, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ होता है
लोहार, ठीक है, वाक्टर, एक वाक्टर नाम का लोहार हु वाज देयर, वह वहीं था। विथ हिज अप्रेंटिस, विथ मीन्स साथ, हिज मीन्स अपने, अप्रेंटिस मीन्स प्रशिक्षु, अपने प्रशिक्षु के साथ वाक्टर नाम का एक लोहार वहीं था। रीडिंग द बुलेटिन, यानी रीडिंग मीन्स पढ़ रहा था, द बुलेटिन मीन्स उस सूचना को, ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया और कहा कुछ। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब यानी बच्चे। यू यू विल गेट योर स्कूल, आप अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, इसके लिए बहुत समय है, ठीक है। वाक्टर नाम का जो लोहार था अपने प्रशिक्षु के साथ, वह वहीं पर बुलेटिन पढ़ रहा था और मुझे बुलाया, कहा इतना जल्दी मत करो बच्चे, आपके पास बहुत समय है, आप जल्द ही स्कूल पहुंच जाएंगे। आई थॉट, मैं सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि वह मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड, एंड मिस और रीच्ड मिस पहुंचा यम हैमल्स लिटिल गार्डन, यम हैमल के एक छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रिथ, ऑल आउट ऑफ ब्रिथ यानी हाँफते हुए, ठीक है। यूजली आमतौर पे, व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, लड़का वही सोच रहा है। यूजली आमतौर पे, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वॉज ए ग्रेट बस्टल, एक बहुत बड़ी चहल पहल होती थी। विच मिस, जो कुड बी हियर, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गलियों में, ठीक है। लड़का जब स्कूल में गया तो वही कह रहा, जब स्कूल पहले खुलते थे यानी प्राय जब खुलते थे, तो एक बहुत बड़ी चहल पहल होती थी बच्चों की, जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। द ओपनिंग यानी खुलते थे, एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और जो डेस्क होते थे उसे खोला और बंद किया जाता था, यानी बच्चे खोलते थे और बंद भी करते थे। लेसन रिपीटेड, पाठ दोहराए जाते थे। इन अन यूनिसन यानी एक सुर में। वेरी लाउड यानी बड़ी बड़ी तेज़ी से। विथ आवर हैंड्स, और हमारे जो हाथ हैं, ओवर ईयर्स, हमारे कानों पर होते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए। कह रहा लड़का जब स्कूल खुलता था तो बहुत चहल पहल होती थी, और क्या होता था, बच्चे अपने डेस्क को इधर उधर करते थे यानी खींचते थे, बंद करते थे, और लेसन जो होता था उसे दोहराया जाता था बड़ी तेज़ी से, एक लय में कान पर हाथ रख करके, जिससे कि वह अच्छे से अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझ में आए। एंड द टीचर, और जो अध्यापक होते थे। ग्रेट रूरल रैपिंग ऑन द टेबल्स, टीचर, ग्रेट रूरल रैपिंग, टीचर का टकराना, बड़ी भरकम तरीके से टकराना ऑन द टेबल यानी टेबल से। बट नाउ, लेकिन अब, ये सब वो लड़का सोच रहा, लेकिन अब यानी अभी के टाइम, जो इस टाइम है। इट वॉज ऑल सो स्टिल, अभी तो सब कुछ क्या है, लेकिन अब सब कुछ कैसा दिख रहा है, शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, आई हैड काउंटेड, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा था ऑन द कमीशन कि हल्ला गुल्ला के साथ टू गेट प्रवेश कर जाते, टू माई डेस्क मीन्स अपने डेस्क के यानी मेज के पास, विदाउट बीइंग सीन यानी बिना किसी के देखे। कह रहा है कि मुझे भरोसा था कि हल्ला गुल्ला के बीच में मैं अपने मेज तक बिना किसी के देखे पहुंच जाता। बट लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरी थिंग हैड टू बी ए क्विट यानी सब कुछ क्या था, शांत था। एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रो द विंडो यानी खिड़की के द्वारा। आई सा, मैं देखा, माई क्लासमेट, मेरे सहपाठी, ऑलरेडी पहले से ही, इन देयर प्लेसेस, अपने स्थानों पर बैठे हैं। एंड एम हैमेल, और एम हैमेल जो टीचर थे, वॉकिंग अप, टहल रहे थे। एंड डाउन विथ हिज ट्रेवल, टहल रहे थे इधर उधर। विथ हिज ट्रेवल, अपनी भयानक आयरन रूलर, अपनी भयानक एक छड़ी के, लोहे की छड़ी के साथ। अंडर हिज आर्म्स, अपनी बांह में दबाए हुए, ठीक है। वह खिड़की से देखा कि उसके जो दोस्त हैं अपनी जगह पर पहले से बैठे हैं, जो एम हैमल टीचर हैं, वो एक भयानक छड़ी लेकर के, अपनी बांह में लेकर के, इधर उधर रूम में टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन डोर एंड गो टू गो इन बिफोर एवरीबॉडी, कह रहा आई हैव टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा जब डोर यानी दरवाजे को। एंड गो, और गया, इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी के सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन, आप कल्पना, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ड, मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। एंड हाउ प्रिटेंडेड आई वॉज, मैं कितना भयभीत था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल सामी, एम हैमेल सामी, एम हैमेल मुझे देखें एंड सेड, और कहें वेरी काइंडली, वेरी काइंडली, बड़े आराम से, गो योर प्लेस क्विकली, जल्द ही अपनी जगह पे जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे। वी वेयर बिगनिंग, हम प्रारंभ करने वाले थे, विदाउट यू यानी बिना तुम्हारे, कह रहे हैं हम बिना तुम्हारे ही प्रारंभ यानी शुरुआत करने वाले थे। छोटा लड़का देखिए क्या कर रहा है।
आई जम्प्ड, मैं कूदा ओवर द बेंच यानी बेंच को कूद गया, एंड सेट और बैठ गया एट माई डेस्क अपनी मेज पर। कह रहा बेंच पे कूद करके वह अपनी सीट पे यानी बैठ गया। कर नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वेन वेन जब आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। कह रहा तब तक नहीं, वेन जब आई हैव गॉट ए लिटिल, मुझे थोड़ा सा मिला ओवर फ्राइट यानी थोड़ा सा मेरा भय कम हुआ। ठीक है। डिड आई सी दैट ओ आवर टीचर, कह रहा डिड आई सी, मैं देखा देखा कि आवर टीचर जो हमारे अध्यापक हैं, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वह एक सुंदर हरी कोट लिए हैं, हिज फ्रिल्ड फ्रिल्ड शर्ट यानी झालीदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा सा काला रेशमी टोपी ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर काशीदाकारी की गई थी। एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता काशीदाकारी यानी कुछ बनाए गए थे। ठीक है, तो यही बात है। कह रहे हैं जब वह देखा कि उसके टीचर हैं एक हरा सा कोट पहने हैं और उनका जो झालरदार एक शर्ट पहने हैं और एक सिल्क वाली काली सी टोपी पहने हैं। ठीक है। दैट ही, जिसे ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। कह रहा जिसे वह कभी नहीं, जिसे वह कभी नहीं इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण एंड प्राइज डे और पुरस्कार वितरण के दिन के सिवाय पहनते थे। ठीक है। द होल स्कूल यानी पूरा जो विद्यालय था, सीम्ड मिस प्रतीत होता था, बिसाइड इसके अलावा, द होल स्कूल पूरा स्कूल सीम्ड मिस प्रतीत होता था, सो स्टैंड बहुत विचित्र एंड सोलेमन और शांत। कह रहे हैं इसके अलावा भी उसको स्कूल जो था एकदम विचित्र और शांत दिखाई देता था। बट लेकिन द थिंग्स, एक चीज़ दैट मीन्स जो सरप्राइज में मुझे आश्चर्य कर दी, मोस्ट मीन्स बहुत अधिक, वाज टू सी देख करके। कह रहा है लेकिन एक चीज़ को देख करके मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। कह रहा ऑन द बैक बेंच यानी पीछे वाली बेंच पे यानी मेजों पर, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली। कह रहा है जो पीछे वाली बेंच होती है वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उस पर द विलेज पीपल, गांव के लोग सिटिंग में बैठे हुए थे क्वाइटली यानी शांत, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह एकदम शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्न हैट, एक वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति विथ हिज थ्री कॉर्न हैट, एक तीन कोण की टोपी के साथ, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर और भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड मिस और सेवरल अदर, और अन्य कई अन्य लोग बेसाइड, इनके अलावा और कई अन्य लोग भी वहाँ बैठे थे। एवरीबॉडी, प्रत्येक लोग लुक्ड मिस दिख रहे थे सैड मिस दुखी, एंड हाउसर हैड ब्रॉट, और जो बूढ़ा व्यक्ति था ब्रॉट मिस लाया था, एंड ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी, थम्ब्ड एट द एज, किनारों पर, थम्ब्ड एट द एज और किनारों पर वह अंगूठा लगाया था, एंड मिस और ही हेल्ड इट ओपन, और उसे खोल रखा था, ऑन हिज नी अपने घुटनों पर, और विथ हिज ग्रेट स्पेक्ट्रल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। कह रहे हैं अपने चश्मे के साथ, लाइंग अक्रॉस द पेज या उसका जो चश्मा था उस पेजों पर पड़ा हुआ था, अर्थात क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है। वाइल, जबकि आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कह रहे हैं जबकि आई मीन्स मैं वाज वंडरिंग, विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल यानी इन सब पर, इन सब चीज़ों को देख कर जो लड़का था विचार कर रहा था, का मतलब अभी एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तभी जो एम हेमल थे अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीर अवस्था में, एंड जेंटल टोन यानी सज्जन आवाज़ों में, विच मीन्स जिसे ही हैड यूज वह प्रयोग किए थे, टू मी मेरे लिए, सेड माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन, सेड माई चिल्ड्रेन, और कहें मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है, आई सेल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। वो कुर्सी पर बैठे शांत अवस्था में एकदम सज्जन तरीके से बोलें जो उसके लिए प्रयोग करिए थे जिस तरह से, और बच्चों से कहें, बच्चों यह आपका अंतिम पाठ है जिसे हम पढ़ाएंगे। द ऑर्डर, आदेश हैज कम मिस आया है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है टू टीच, पढ़ाने को, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल्स मिस विद्यालय में, ऑफ एल्सेस लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया, कहाँ से आया है, बर्लिन से। द न्यू मास्टर, नए अध्यापक, कम्स टुमारो, कल नए अध्यापक आएंगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांस का यानी फ्रेंच लेसन है, आई वांट
यू आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अटेंटिव यानी एकाग्र रहें। ठीक, व्हाट ए थंडर क्लैप, क्या कड़कड़ाहट थी दीज वर्ड्स मीन्स इन शब्दों से वेयर टू मी यानी मुझको मिली, कह रहे हैं इन वर्डों से मुझे एक बिजली की कड़कड़ाहट मिली यानी कड़कड़ाहट सा महसूस हुआ। ओ अरे द व्रेंचेड, ओ निकम्मे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, दैट वाज वह था व्हाट मीन्स जिसे दे हैड पुट वे लगाए थे एट द टाउन हॉल यानी सभागार में, यानी यही था जो उन्हें जो वे सब लगाए थे कहाँ सभागार में। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, माय लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ, व्हाई क्यों, आई हार्डली मैं मुश्किल से न्यू मिस जाना था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कह रहा है आई शुड नेवर लर्न मैं कुछ भी नहीं सीखा था एनी मोर यानी बहुत अधिक इसके बारे में नहीं सीखा था, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, आई मस्ट स्टॉप देयर मुझे रुक जाना होगा देन मिस तब मुझे वहीं रुक जाना होगा यानी उतना ही पढ़ना पड़ेगा या पढ़ पाएंगे। ओह अरे हाउ सॉरी, हाय कितना कष्ट, आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कह रहा है आई वाज फॉर नॉट लर्निंग मैं नहीं सीख पाऊँगा माई लेसन मीन्स मेरे पाठ को, और भी ये बात है आई वाज फॉर नॉट लर्निंग मैं नहीं सीख रहा था माई लेसन्स अपने पाठों को, फॉर सीकिंग यानी ढूंढ रहा था, बर्ड एक्स यानी पक्षी के अंडों को ढूंढने की बजाय मैं अपने पाठों को नहीं सीख सका, और या गोइंग स्लाइड ऑन द सार और सार पे फिसलने के अलावा, ठीक है यानी सार पे फिसलने के लिए मैं जाता था जिससे मैं अपने पाठ को नहीं सीख, जिससे मैं कितना दुखी हो रहा था यानी पढ़ नहीं पाए। माई बुक्स मेरी किताबें दैट हैव सीम्ड प्रतीत होती थी सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो कुछ समय पहले सो हैवी बहुत भारी टू कैरी मिस ले जाने में, कह रहा है मेरी पुस्तकें बहुत पहले भारी प्रतीत होती थी क्या करने में ले जाने में, जब वो ले जा रहा था स्कूल तो उसकी पुस्तकें उसको बहुत भारी लग रही थी, और कह रहा माई ग्रामर मेरे व्याकरण एंड माई हिस्ट्री और मेरे इतिहास आप संतों के इतिहास, कह रहा मेरे व्याकरण और मेरे संतों के इतिहास वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ अब मुझे पुराने मित्र लग रहे हैं, दैट जिसे आई कुड नॉट गिव अप जिसे मैं नहीं त्याग सकता था, एंड और एम हैमल टू द आइडिया और यह विचार दैट कि ही वाज गोइंग अवे कि वह अभी जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं दैट जिससे आई शुड नेवर मैं कभी नहीं सी हिम अगेन उन्हें देख सकूँगा, मेड मी फॉरगेट मुझे सब भूल गया ऑल अबाउट हिज रूलर उनके डंडे के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज और वह कितने बदतमीज थे इन सब चीज़ों के बारे में मुझे भूल गया, कह रहा है कि यम हैमेल भी जा रहे हैं ठीक है और वह कितने बदतमीज थे और उनके कितने डंडे हम खाए हैं वह सब हमें भूल गया, कह रहा कि अब हम उन्हें शायद कभी नहीं देख पाएंगे या उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, पुअर मैन बेचारा आदमी, इट वॉज इन हॉनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, इट वॉज इन हॉनर सम्मान में ऑफ हिज लास्ट लेसन ऑफ दिस लास्ट लेसन इस अंतिम पार्ट के सम्मान में दैट ही हैड पुट ऑन वह पहने हुए थे हिज फाइन अपने सुंदर संडे क्लॉथेस यानी रविवार कपड़े को, एंड मिस और नाउ मिस अब आई अंडरस्टूड मैं समझ गया कि व्हाई मीन्स क्यों, द ओल्ड मैन वृद्ध लोग ऑफ विलेज मीन्स गांव के वेयर सिटिंग मीन्स बैठे थे देयर इन द बैक ऑफ द रूम यानी कमरे के पीछे, ठीक है यानी पीछे वाली सीट पर, इट वाज बिकॉज क्योंकि दे वेयर सॉरी वो भी दुखी थे टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर क्योंकि वे हैड नॉट गॉन नहीं गए थे टू स्कूल यानी विद्यालय मोर मीन्स अधिक, वे भी दुखी थे यानी वृद्ध लोग भी दुखी थे क्योंकि वह बहुत अधिक स्कूल नहीं गए थे, इट वॉज यह था देयर मिस उनका वेज मिस तरीका ऑफ थैंकिंग मिस धन्यवाद देने का, आवर मास्टर्स मिस अपने हमारे अध्यापक को फॉर हिज 40 ईयर्स 40 वर्ष के ऑफ फेथफुल सर्विस यानी विश्वसनीय सेवा के, एंड ऑफ सोविंग एंड मिस और ऑफ सोविंग देयर रिस्पेक्ट और अपने सम्मान को दिखाने का, फॉर द कंट्री मिस उस देश को, दैट वॉज देयर्स नो मोर जो अब उनका नहीं रहा, अर्थात हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की विश्वसनीय सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश उनका नहीं था उसे सम्मान देने का उनका अपना एक अलग तरीका था। वाइल जब आई वाज थिंकिंग मैं सोच रहा था ऑफ ऑल दिस इन सब चीज़ों के बारे में तो आई हियर्ड
कामा तो आई हेड मैं सुना माई नेम कॉल कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसीव, मेरा कहने की बारी आई। ठीक है, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, वाट मीन्स क्या, वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या नहीं दूंगा यानी क्या नहीं करूंगा, टू बी एबल योग्य होने में, टू से यानी कहने के योग्य होने में, दैट ड्रेडफुल उस भयानक रूल मीन्स नियम को, फॉर पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को कहने में, क्या कुछ नहीं करने के लिए मैं तैयार था, वेरी लाउड यानी बहुत तेज़ी से एंड क्लियर और पूरे स्पष्ट तरीके से एंड विदाउट वन मिस्टेक या और बिना किसी एक गलती के लिए मैं तैयार था। तो ही कहने का मतलब है, कह रहा है कि उसे पार्टिसिपल्स के जो भयानक नियम थे उसको कहने के लिए बड़ी तेज़ी से और स्पष्ट तरीके से और बिना किसी गलती के लिए, बिना किसी गलती के कहने के लिए क्या कुछ नहीं करने को मैं तैयार था। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर और वहीं खड़ा था, होल्डिंग ऑन टू द माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरे जो हृदय की बीटिंग धड़कन थी बढ़ रही थी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड मिस और नॉट मिस नहीं, डेयरिंग मिस साहस हुआ टू लुक अप, ऊपर देखने का, कह रहे हैं और ना ही मेरा ऊपर देखने का साहस हुआ, भाई पढ़ते नहीं थे, मेहनत बिना किए ही कहें कि आज हम बहुत कुछ कर देंगे, जुनून में आ गए, लेकिन देखिए हुआ तो ही नहीं, पहले इस शब्द में उलझ गए और बैठ गए, कैसे ऊपर देखेंगे। तो ही बात है बच्चों, मेहनत से पढ़ो, ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। और ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।